हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आप सबका ईएमआरएस का एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आपके एग्जाम से रिलेटेड आज एक और वीडियो हम लेकर आए हैं, जिसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो टीजीटी एग्जाम्स में आए हुए हैं। आई होप आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज द एलील ऑफ अ जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन। दिस स्टेटमेंट इज कि एलील ऑफ अ जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग और उनके बोथ द कैरेक्टर्स कहां रिकवर्ड होते हैं F2 जनरेशन में। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, तो दिस स्टेटमेंट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ रिकवर्ड होते हैं F2 जनरेशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनकरेक्ट। सेकेंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एज वी ऑल नो कि जॉर्ज मेंडल ने क्या दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, जो किसके ऊपर बेस्ड थे, पाइजम सेटिवम, दैट इज अ गार्डन बी प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका भी एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। तो आई होप आपने सब पढ़ लिया होगा, अब आप सिर्फ रिवाइज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन दिस इट स्टेट दैट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं, और क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एलील्स, जो किसमें होती हैं हमेशा, विच अकर इन पेयर्स। इट ऑल्सो स्टेट दैट इन अ डिससिमिलर पेयर ऑफ एलील्स, जिसमें वन ऑफ द एलील इज एक्सप्रेस्ड डोमिनेंट और वहिल अदर एलील इज एक्सप्रेस्ड एज रेसेसिव। ठीक है, आफ्टर दैट जो नेक्स्ट लॉ दैट इज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। So it states that allele do not show any blending and both parental characters are recovered in the F2 generation. So आपको तीनों लो याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से जनरली पूछा जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलील ऑफ अ पेयर सेपरेट इन सच अ वे कि जो वन गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू एलील ऑफ अ पेयर। ठीक है, इसे हम और क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कभी कभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ना देखे क्या दिया जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आफ्टर दैट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन दिस इट स्टेट दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड एंड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर, और इसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज डायहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस अ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप। कि एक टिपिकल टेस्ट क्रॉस में जो प्लांट शो कर रहे हैं दैट इज अ डोमिनेंट फिनोटाइप, इज क्रॉस विद अ प्लांट शोइंग दैट इज रेसेसिव फिनोटाइप, दैट इज रेसेसिव फिनोटाइप। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट इज रेसेसिव, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द लीथल जीन्स आर लार्जली रेसेसिव। जो लीथल जीन्स हैं वो कैसे हैं, रेसेसिव हैं, हेंस दे प्रोड्यूस अफेक्ट इन द डैश स्टेट। तो कैसी होगी, होमोजाइगस, दैट इज होमो जाइगस, दैट इज होमोजाइगस। तो लेट्स सी ऑप्शन, फर्स्ट इज हेमीजाइगस, इनकरेक्ट, हेट्रोजाइगस, इनकरेक्ट, होमोजाइगस इज द करेक्ट आंसर। जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरी अ नॉर्मल मेल देयर चिल्ड्रन विल बी। कि कलर ब्लाइंड फीमेल मैं किसके साथ शादी करती है, नॉर्मल मेल के साथ, तो देयर चिल्ड्रन विल बी। तो लेट्स सी, पेरेंट्स
कलर ब्लाइंड फीमेल और नॉर्मल नॉर्मल मेल, ठीक है। फीमेल के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? दो होते हैं, दैट इज एक्स एक्स, और मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। कलर ब्लाइंड क्या है? दैट इज अ एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, और मेल के पास क्या होता है? सिर्फ एक ही, मेल के पास क्या होता है? सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो मेल कभी भी कैरियर नहीं हो सकता, मेल कभी भी कैरियर नहीं हो सकता, क्योंकि मेल के पास क्या होता है? सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो लेट्स सी, कलर ब्लाइंड फीमेल दैट इज एक्स सी होमोजाइगस और ये एक्स वाई, ठीक है। एक्स और वाई, ठीक है। आफ्टर दैट इनकी क्रॉसिंग कराएंगे, दैट इज डॉटर कैरियर डॉटर, ठीक है। ये भी कैरियर डॉटर, दैट इज कलर ब्लाइंड सन, ठीक है। कैरियर डॉटर कलर ब्लाइंड सन। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट इज कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर ब्लाइंड डॉटर, तो ब्लाइंड तो नहीं है, इनकरेक्ट। कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर, तो जो बी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज मेंडल वर्क ऑफ जेनेटिक्स, जो मेंडल ने किस पे काम किया था जेनेटिक्स पे, वॉज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से वो किसके ऊपर बेस्ड था। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ड्रोसोफिला, तो दैट इज इनकरेक्ट। पाइजम सेटिवम, तो पाइजम सेटिवम इज द करेक्ट आंसर, जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ सी ऑप्शन भी सही है, तो उसके अकॉर्डिंग बी और सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी प्लांट वर सेलेक्टेड बाय मेंडल्स, कि कितनी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी प्लांट की किसने सेलेक्ट की थी मेंडल्स ने, तो वो कितनी थी, दैट इज 14 ट्रू ब्रीडिंग, 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज, 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज। लेट्स सी ऑप्शन सेवन, सेवन क्या थे, कंट्रास्टिंग पेयर, तो सेवन नहीं है, फोर नहीं है, 14 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज हाउ मेनी कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, तो कितने थे, दैट इज 7। लेट्स सी ऑप्शन, फर्स्ट इज 8 इनकरेक्ट, 6 इनकरेक्ट, 7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो मेंडल ने सेलेक्टेड किए थे 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर अपने एक्सपेरिमेंट्स में, वो क्या क्या थे, तो सबसे पहले हाइट, जिसमें डोमिनेंट एलील दैट इज टॉल और रेसेसिव एली ड्वार्फ दैट इज स्मॉल टी, ठीक है। सीड कलर कौन कौन सा लिया था उन्होंने, येलो और ग्रीन। सीड की शेप क्या थी, राउंड रिंकल। फ्लावर कलर क्या था, पर्पल वाइट। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल टर्मिनल। पोड कलर ग्रीन येलो और पोड शेप स्मूथ एंड कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। आई होप आपको ये पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज अ कपल हैज 4 गर्ल्स, ये कपल है उनको 4 लड़कियां हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिफ्थ चाइल्ड बी अ सन, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो फिफ्थ चाइल्ड होगा वो बॉय होगा। तो लेट सी, एज वी ऑल नो कि फीमेल्स के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज एक्स एक्स, दैट इज होमोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है। मेल के पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज एक्स वाई हेटरोजाइगस,
हेटरोजाइगस, ठीक है। तो ये सेम है, यहां से x और यहां से आ गया x और y, तो दैट इज xx और x और y। तो xx क्या होगा, गर्ल चाइल्ड, दैट इज गर्ल चाइल्ड, और xy क्या होगा, बॉय। तो कितने कितने चांस होगा, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी होगी, 50-50, यानी कि 50% चांस किसके होंगे, बॉय के, और 50% चांस किसके होंगे, गर्ल चाइल्ड के। तो लेट्स सी ऑप्शन, 20% इनकरेक्ट, 50% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th इज नेचुरल म्यूटेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। नेचुरल म्यूटेशन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, तो वो किया था ह्यूगो डी ब्राइस ने। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑप्शन स्टेडलर, इनकरेक्ट, बी जो हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ह्यूगो डी ब्राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th इज इफ द डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड फादर एंड अ नॉर्मल विजन मदर मैरी अ नॉर्मल विजन मैन, देन द पॉसिबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंड चाइल्ड बीइंग बोर्न टू हर विल बी। तो लेट्स सी, तो नॉर्मल नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड फादर, मदर के पास कितने क्रोमोसोम्स, एक्स एक्स सेम ही होते हैं, ठीक है, और फादर के पास दैट इज एक्स सी और वाई, एक्स और वाई। अब इनकी क्रॉसिंग कराएंगे, तो ये सेम है, यहाँ से क्या आएगा दैट इज एक्स और यहाँ से एक्स सी और वाई, ठीक है। अब इनकी क्रॉसिंग कराते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, डॉटर कैरियर डॉटर, कैरियर डॉटर और नॉर्मल सन, कैरियर डॉटर और नॉर्मल सन, ठीक है। आफ्टर दैट कैरियर डॉटर दैट इज एक्स और एक्स सी, यहां से एक्स और वाई, ठीक है। अब यहां से इनका क्रॉस कराएंगे, so it will form इनकी क्रॉसिंग कराते हैं, x और x, ठीक है, नॉर्मल है। आफ्टर दैट ठीक है, तो ये क्रॉस कराया, उसके बाद ये क्या है एक्स एक्स, तो दैट इज नॉर्मल नॉर्मल डॉटर, ये क्या होगा कैरियर डॉटर, ठीक है, नॉर्मल सन, और ये क्या होगा कलर ब्लाइंड सन। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा दैट इज 1:4, तो लेट्स सी ऑप्शन, तो 1:4, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th इज अ हीमोफिलिक मैन मैरी अ वुमेन कैरियर फॉर हीमोफीलिया, व्हाट वुड बी द पॉसिबिलिटी जेनेटिक्स देयर डॉटर वुड बी हीमोफिलिक, कि क्या पॉसिबिलिटी होगी कि डॉटर भी क्या होगी हीमोफिलिक। तो जो वुमेन क्या है हीमोफिलिक कैरियर है, ठीक है, और जो मैन है दैट इज हीमोफिलिक, हीमोफिलिक, ठीक है। वुमेन के पास फिर से कितने क्रोमोसोम्स होते हैं,
एक्स एक्स सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये आ जाएगा, ये कैरियर है, तो मैं इसे ऐसे डिनोट कर दूं एक्स, ठीक है। ये मैन क्या है, दैट इज हीमोफिलिक, इसके पास भी क्या होता है एक्स और वाई, तो ये आ जाएगा एक्स और वाई, ठीक है। तो यहां से ये हम यहां देख लेते हैं, हीमोफिलिक कैरियर वो कौन है, दैट इज वुमेन, ठीक है। हीमोफिलिक जो है वो किसे है, मैन को, ठीक है। अब वुमेन के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं दैट इज एक्स और एक्स, ये कैरियर है, और मैन क्या है, जैसे हीमोफिलिक डिजीज है, दैट इज एक्स और वाई, ठीक है। अब इनका क्रॉस कराएंगे तो यहां से भी दैट इज एक्स एक्स, सॉरी एक्स, और ये हो गया एक्स डैश और वाई। अब करेंगे क्रॉस, ठीक है, तो दैट इज, ठीक है, तो ये भी, तो ये क्या होगी, दैट इज हीमोफिलिक डॉटर, ठीक है, दैट इज एक्स और एक्स, ये होगी डॉटर कैरियर, डॉटर कैरियर, आफ्टर दैट दैट इज ये क्या होगा, हीमोफिलिक सन, एंड आफ्टर दैट एक्स और वाई नॉर्मल सन, दैट इज नॉर्मल सन, ठीक है। तो लेट्स सी ऑप्शन, तो फर्स्ट इज 100%, 75%, 50% या फिर 0%, तो जो इसका आंसर होगा दैट इज 50%, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इज, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, दैट इज 1:1:1, ठीक है। टेस्ट क्रॉस का पूछा, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस का पूछा होता दैट इज 9:3:3:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो फर्स्ट इज T.H. Morgan during his study on Drosophila concluded that Mendel principle of independent assortment is not universally applicable. तो ये बात तो assertion तो सही है। Drosophila has 4 pair of chromosomes only. तो Drosophila के पास 4 pair of chromosomes ही होते हैं, जिसमें से 2 pair of chromosomes क्या होते हैं, large autosomes, 1 small, और 1 pair of chromosomes क्या होते हैं, sex chromosome, that is X or Y. तो फर्स्ट जो आपका है दैट इज बोथ असर्जन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, असर्जन भी सही है रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन, तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, हीमोफीलिया ये है, सिस्टिक फिब्रियोसिस ये भी है, क्रीडीचैट सिंड्रोम दैट इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है, क्योंकि पूछा है नोटा मेंडेलियन डिसऑर्डर, बाकी सारे क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 इज इन मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप विल बी प्रेजेंट, कि कितने टाइप्स के जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो फिनोटाइप जो जीनोटाइप्स होते हैं दैट विल बी 9, और जो फिनोटाइप्स होते हैं दैट विल बी 4, तो लेट सी, फर्स्ट इज पूछा है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, तो फर्स्ट इज 4 and 9 इनकरेक्ट, 9 and 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 इज हु प्रपोज द चेकर बोर्ड मेथड, चेकर बोर्ड मेथड किसने दिया था, मेंडल ने नहीं दिया था, पोनेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन विच टाइप ऑफ डोमिनेंस, दैट इज
co-dominance, that is co-dominance. So let's see option, complete dominance, incorrect. Incomplete dominance, incorrect. Co-dominance is the correct answer. Next question. Crossing of F1 heterozygous with homozygous recessive parent is known as. तो उसे हम क्या कहते हैं? That is known as test cross. That is known as test cross. So first is back cross, incorrect. Test cross is the correct answer. Next question. Question number 19 is the chromosome that determine the male sex in human called. कि कौन सा chromosomes है जो male sex को डिटरमाइन करता है ह्यूमंस के अंदर, एक्स वाई डब्ल्यू सेट. तो लेट सी, फिर से फीमेल्स के पास कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? दो होते हैं, दैट इज एक्स और एक्स, और मेल के पास होते हैं एक्स और वाई. तो इनका क्रॉस करा लेते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल. तो इस केस में एक्स और वाई, और इसके पास एक्स एक्स, तो क्रॉस कराते हैं. तो ये हो जाएगा एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई. तो कौन रेस्पॉन्सिबल है फॉर बॉय के लिए? वाई क्रोमोजोम. कौन है? दैट इज वाई क्रोमोजोम. ठीक है, तो मेल सेक्स के लिए कौन होता है, कौन सा क्रोमोजोम्स होता है? वाई क्रोमोजोम्स. और वो किसके पास होता है? वो होता है मेल के पास. ठीक है, तो लेट्स सी, X chromosome incorrect, Y chromosome is the correct answer. Next question. Question number 20 is in human being following sex hormones are found. Human beings के अंदर कौन से sex hormone पाए जाते हैं? तो that is XX और X और Y. So let's see, XX incorrect, B option is the correct answer. Next question. T.H. Morgan used which of the following foremost of his work on genetics? कि टी एच मॉर्गन ने इनमें से किससे सबसे ज्यादा यूज किया अपने जेनेटिक्स के काम के लिए? तो वो क्या था? डोर्सोफिला को. तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. समटाइम्स अ सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूस मेनी सेकेंडरी इफेक्ट्स. कि कभी कभी जो एक सिंगल जीन डिफेक्ट है वो बहुत सारे सेकेंडरी इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज प्लियो ट्रॉपी. तो फर्स्ट इज पॉलीट्रॉपी, इनकरेक्ट. प्लियोट्रॉपी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर, दैट इज रिकॉन. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो ये फिर से पूछा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24 इज हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय. तो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, और इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिसीज. रॉयल डिसीज, क्योंकि ये क्यों कहते हैं रॉयल डिसीज? क्योंकि ये रॉयल फैमिली में हुई थी, यूरोप में सबसे पहले जो पाई गई थी वो पाई गई थी रॉयल फैमिली में, यूरोप में. तो ये होते किसके थ्रू है? तो जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोजोम. सो लेट सी, फर्स्ट इज एक्स्ट्रा ऑटोजोम, इनकरेक्ट. एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोजोम, इनकरेक्ट. जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोजोम. तो जो सी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय. तो टर्नर सिंड्रोम, दैट इज एक्स ओ हेट्रोक्रोमोजोम. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. टर्नर सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड एज, रिप्रेजेंटेड बाय, तो दैट इज एक्स ओ. तो फर्स्ट इज एक्स वाई वाई, इनकरेक्ट. एक्स एक्स, इनकरेक्ट. एक्स ओ इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ट्राइसोमी ऑफ नंबर 21 क्रोमोजोम्स इन मैन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ. कि ट्राइसोमी ऑफ नंबर 21 क्रोमोजोम इन मैन किसका प्रोडक्शन होता है? दैट इज डाउन सिंड्रोम. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one is a sex-linked diseases? कि इनमें से कौन सी sex-linked diseases है? तो albinism नहीं है, beriberi नहीं है, color blindness is the correct answer. Next question. The sex-linked gene in man is represented by, that is color blindness gene. So first is hemoglobin gene, incorrect. Color blindness gene is the correct answer. Next question. Which of the following trait in human is sex-linked? So that is color blindness. First option is the correct answer. Next question. Which of the following is a sex-linked diseases? So, wo hai. First is hemophilia alone. Ye bhi hai.
इजोनोफीलिया नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस ही है बोथ। ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर इन, तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? मियोसिस। मियोसिस, तो लेट सी, फर्स्ट इज मियोसिस सेल, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपोथेसिस ऑफ कपलिंग एंड रिपल्शन फॉर लिंकेज वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, तो ये किसने किया था? फर्स्ट इज सोतेन एंड बॉबरी, इनकरेक्ट, बेथसन एंड पोनेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज द टर्म जीन रेफर टू, फर्स्ट ऑप्शन इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, अ लिंकेज ग्रुप, अ पार्ट ऑफ आरएनए, अ पोर्शन ऑफ डीएनए, तो द टर्म जीन रेफर टू अ पोर्शन ऑफ डीएनए, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म लिंकेज वॉज कॉइन बाय, तो टर्म लिंकेज किसने दी थी? तो वो दी थी थियोडोर बॉवेरी ने, थियोडोर बॉवेरी नहीं सॉरी थॉमस हंट मॉर्गन ने दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया इज अ डिसीज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, कि हीमोफीलिया क्या है, एक ऐसी डिसीज है जो किसकी कमी से होती है? तो हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो वो किसकी कमी से होगा? वो होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो फर्स्ट इज वॉटर इन प्लाज्मा, इनकरेक्ट, रेड ब्लड कॉर्पसल्स इनकरेक्ट, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स इनकरेक्ट, थ्रोम्बोप्लास्टिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन अ क्रोमोसोम, जब दो जीन्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हो क्रोमोसोम्स के अंदर, तो देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम, क्या उनके अंदर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी? नहीं, हार्डली एनी क्रॉस ओवर कैन बी डिटेक्टेड, तो फर्स्ट जो बी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज लोकेटेड ऑन द, तो ऑटोसोम्स ऑफ मैन एंड वुमेन, सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ मैन एंड वुमेन, तो जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, तो सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ मैन ओनली, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम्स, तो फर्स्ट इज 46, 45, 47, 48, दैट इज इसका जो आंसर होगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम अ ह्यूमन अबनॉर्मेलिटी इन विच द अफेक्टेड इंडिविजुअल आर फिनोटिपिकली फीमेल्स, टर्नर सिंड्रोम अ ह्यूमन अबनॉर्मेलिटी जिसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल क्या है, फिनोटिपिकली क्या है, फीमेल्स है, बट हैव रूडिमेंट्री सेक्स ऑर्गन एंड मेमोरी ग्लैंड विच इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ, किसके वजह से? दैट इज ओनली वन एक्स क्रोमोजोम, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सओ क्रोमोसोम्स एबनॉर्मेलिटी इज, तो एक्सओ क्रोमोसोम्स एबनॉर्मेलिटी इज दैट इज नोन एज टर्नर सिंड्रोम, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एबनॉर्मेलिटी इन मैन हु आर ऑलवेज स्टेराइल ड्यू टू इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्स क्रोमोसोम 47 XXY इज नोन एज क्लिनिफ्टर सिंड्रोम, तो लेट सी, हंटिंगटन डिजीज इनकरेक्ट, मार्फन सिंड्रोम इनकरेक्ट, क्लिनिफ्टर सिंड्रोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिफ्टर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 2Y एंड 1X क्रोमोसोम, 2X एंड 1Y क्रोमोसोम, 2X एंड 2Y क्रोमोसोम, 2Y क्रोमोसोम्स ओनली, तो आंसर इज 2X एंड 1Y क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, तो ट्राइजोमी ऑफ 21 ऑटोसोम, तो जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूजुअली यूज फॉर डीएनए, किस लिए होता है? दैट फॉर एम्प्लीफिकेशन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इज यूज फॉर, तो हम किस लिए यूज करते हैं? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ह्यूमन इंसुलिन इज प्रोड्यूस बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम, तो किससे प्रोड्यूस होता है? इकोलाई, तो जो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ह्यूमन इंसुलिन इज प्रोड्यूस बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम इकोलाई। नेक्स्ट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो जे लेटरबर्ग इनकरेक्ट, ए जेकॉब इनकरेक्ट, कैरी मुरलिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एच जी That is Human Genome Project, approximate number of genus in human cell is 30,000 to 32,000. So let's see option 10,000 to 12,000 incorrect, 15 incorrect, 32,000. Next question, DNA fingerprinting is determined by, so arrangement of phosphoric acid in nucleotide, C
सीक्वेंस ऑफ पेंटोज रेजिड्यू, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बोन बिटवीन डीएनए बेसिस, सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द डीएनए फिलामेंट. तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द डीएनए फिलामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम. तो आर फर्स्ट ऑप्शन आरबीसी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एबसेंट होता है और न्यूक्लियस एबसेंट है तो डीएनए भी नहीं होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो ये थे कुछ 52 क्वेश्चंस जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए. आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.